नमस्कार दर्शकों, मैं आर्य अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि पर शनि की साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है और पहला चरण ज्यादा कष्टकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनि अपनी राशि पर गोचर कर रहे हैं और अपनी राशि पर जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो बुरे परिणाम नहीं देता है। लेकिन मीन राशि वालों की जब से शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई है तब से बहुत बुरा समय चल रहा है। परेशानियों पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को आर्थिक बहुत नुकसान हुआ, कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यापार ठप हो गया, कई लोगों को मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा है, कई लोगों का तो स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रह पा रहा है, कई लोगों के घर में क्लेश पैदा होता है। क्यों होता है, क्या कारण है, कब अच्छे दिन आएंगे, कब शनि आपको अच्छे परिणाम देंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हो। मीन राशि वालों की शनि की साढ़े साती 17 जनवरी 2023 को प्रारंभ हुई है। शनि जो है मकर राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में जो है गोचर कर रहे हैं। मीन राशि से शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और वैसे यदि देखा जाए तो शनि की पहली जो साढ़े साती का जो पहला चरण होता है ये काफी कष्टकारी होता है, क्योंकि शनि 12वें भाव में गोचर करते हैं और 12वां भाव जो होता है ये व्यय का होता है, नुकसान का होता है, खर्चों का होता है, हॉस्पिटल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। तो इन सभी के फल देने का काम शनि करते हैं। शनि जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान के फलों में वृद्धि कर देते हैं और जहां पर शनि देखते हैं उस भाव को खराब करने का काम करते हैं। शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है, लेकिन शनि जहां के मालिक होते हैं, जहां पर बैठते हैं, वहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। अब शनि जो है आपके 12वें भाव में अपनी स्वयं की राशि में कुंभ राशि में, जो कि प्रिय राशि है शनि की, मूल त्रिकोण की राशि है, तो अपने राशि में जो है शनि गोचर कर रहे हैं तो ज्यादा बुरे परिणाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्वयं के घर को कौन बर्बाद करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी मीन राशि वालों को इतने बुरे समय से क्यों गुजरना पड़ रहा है? कारण ये है कि शनि की साढ़े साती का जो पहला चरण है ये तो कष्टदायी होता ही होता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, लेकिन शनि शुभ परिणाम भी देते हैं। अब अपने घर को तो ठीक करेंगे ही करेंगे, लेकिन 3 फरवरी से 15 मार्च तक ये अस्त रहे, और जब भी कोई ग्रह अस्त रहता है तो उसके ज्यादा बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। शनि जो है 2.5 वर्ष तक जो है आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि एक राशि में शनि 2.5 वर्ष तक रहते हैं। अब 2.5 वर्ष तक इनका प्रभाव आपके ऊपर बना रहेगा एक जैसा, लेकिन अभी शनि वक्री भी होने जा रहे हैं तो उसका भी फल आपको मिलने वाला है। अब शनि जो है 12वें भाव में बैठे हैं तो यहां पर वृद्धि करेंगे फलों में। अब वृद्धि करेंगे ये कोर्ट कचहरी का मामला है, तो अभी तक क्या कर रहे थे कि ये नेगेटिव परिणाम दे रहे थे, नकारात्मक परिणाम दे रहे थे, तो कई लोगों के तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, कई लोगों का तो स्वास्थ्य खराब था, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, कई लोगों को व्यय ज्यादा हो रहा था, आवक तो हो रही थी लेकिन पैसा बचत नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, कई लोगों के पैरों में दर्द रहता है, पिड़रियों में दर्द रहता है, बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती है, ये सारी समस्याएं शनि जो है देने का काम कर रहे थे। अब जो है 15 मार्च के बाद शनि जैसे ही मजबूत स्थिति में आ रहे थे कि थोड़ी थाड़ शुभ परिणाम दे, कि गुरु जो है 31 मार्च से 27 अप्रैल तक ये अस्त हो गए। अब ये अस्त हो गए, गुरु जो है धन के कारक है, गुरु विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, वैवाहिक जीवन के कारक है, आर्थिक स्थिति के कारक है। अब धन के कारक जो गुरु है, धन का डिपार्टमेंट गुरु के पास है, वो अस्त हो गए तो कहां से आपको धन मिलेगा, कहां से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा? गुरु आपके राशि के भी मालिक है, अस्त होंगे तो स्वास्थ्य खराब करेंगे, स्वाभाविक है कि अप्रैल तक, 27 अप्रैल तक जो है स्वास्थ्य में भी जो है कहीं ना कहीं जो है
नकारात्मक परिणाम देखने को मिला होगा, कॉन्फिडेंस भी आपका कमजोर रहा होगा और यहां पर किसी भी चीज में सफलता भी आपको नहीं मिली होगी। आपके कैरियर के मालिक भी गुरु है, गुरु राशि के भी मालिक है, लगन के मालिक भी है, आपके कैरियर के भी मालिक है। तो कहीं ना कहीं कई लोगों की तो नौकरी भी छूट गई, कई लोगों का व्यापार ठप्प हो गया, स्वयं का कार्य जो लोग कर रहे थे उसमें भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी थी, वो भी धीरे धीरे बंद होने की कगार में चल रहा है। आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा देखने को मिला, कई लोगों के घर में क्लेश पैदा हो रहा, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कई लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, स्वास्थ्य पर बड़ी खराब स्थिति बन रही है। तो ये स्थितियां जो है गुरु के द्वारा भी बन रही थी। तो गुरु 27 अप्रैल तक अस्त थे। शनि की जो दृष्टियां होती है वो ज्यादा खराब होती है। अब शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी आपके धन के भाव में, धन जो जमा था वो धीरे धीरे खर्च हो गया, बर्बाद हो गया। ये कुटुंब परिवार का भाव होता है, कुटुंब परिवार में क्लेश होने लग गया, मन मुटाव की स्थिति पैदा होने लग गई, चिड़चिड़ापन होने लग गया, मन स्थिर नहीं रह रहा है, दिमाग स्थिर नहीं रह रहा है, क्या करे क्या ना करे की स्थिति बन रही है। जिस चीज में हाथ डाल रहे उसमें या सफलता मिल रही है। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो जो है आपके छठे भाव में पड़ रही। अब छठा भाव जो होता है ये रोग का होता है, तो रोगों में वृद्धि कर दिया। ऋण का भाव है, कर्जा चढ़ा दिया आपके ऊपर, कर्जा नहीं उतर रहा है। कंपटीशन का हो रहा, कंपटीशन में सफलता नहीं मिली। वही नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हो, सफलता नहीं मिल पा रही है। जहां पर आप अप्लाई करने जाते हो कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, विलंब हो रहा है। तो यहां पर जो है शनि जो है बुरे परिणाम देने का काम कर रहे हैं। शनि भाग्य भाव में भी दशम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं। भाग्य आपका साथ नहीं देता है, कुछ भी करने जाते हो जो दो दिन का काम है महीनों लग जा रहा है, काम ही नहीं हो पा रहा है, कोई काम ही नहीं बन पा रहा है, क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, किस्मत आपकी साथ नहीं दे रही। तो ये समस्याएं शनि पैदा करने का काम जो है कर रहे। अब शनि जो है वक्री होंगे तो कुछ परिवर्तन भी करने का काम करेंगे। गुरु जो है 27 तारीख से 27 अप्रैल से ये उदय होंगे। जैसे कि ये उदय हो गए हैं, अब ये शुभ परिणाम देने के लिए मजबूत स्थिति में जो है जुलाई के महीने में, जून के महीने में मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। तो ये समझ जाइए कि जून जुलाई से ये पूर्ण रूप से शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। वही राहु के साथ गुरु की युति अच्छी नहीं मानी जाती, ये चांडाल योग है और कहीं ना कहीं ये अशुभ परिणाम देने का काम करता है। लेकिन जुलाई के महीने से, 1 जुलाई से यदि देखा जाए तो गुरु 15 डिग्री में 100% मजबूत हो जाएंगे, बली हो जाएंगे और राहु जो है 6 डिग्री में आ जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो राहु जब कमजोर हो जाएगा तो गुरु अच्छे फल देने का काम करेंगे। तो ये समझ जाइए कि जुलाई के महीने से गुरु आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, धन की आवक होगी, आय में वृद्धि होगी। तो ये जो है गुरु आपको जुलाई के महीने से लाभ देने का काम करेंगे और 30 अक्टूबर के बाद गुरु और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, तो और अच्छे फल देने का काम करेंगे। लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन पैदा जरूर रहेगा क्योंकि राहु आपकी राशि में गोचर करेंगे 30 अक्टूबर से, लेकिन धन की स्थिति में सुधार होगा। वही गुरु की पांचवी जो दृष्टि है वो रोग ऋण शत्रु के भाव में पड़ेगी, तो रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम भी जुलाई के महीने से प्रारंभ कर देंगे। वही ससुराल पक्ष के संबंधों में मजबूती लाने का काम करेंगे, गुप्त धन भी देने का काम करेंगे और आपके कैरियर को भी ठीक करने का काम जुलाई के महीने से गुरु करेंगे। कैरियर में बदलाव होगा, प्रमोशन मिल सकता है, नई नौकरी के लिए प्रयासरत है तो नौकरी आपको मिल सकती है, कहीं यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय आपके लिए बढ़िया रहेगा, या फिर आप कोई स्वयं का काम करना चाहते हो तो उसके लिए भी समय बढ़िया रहेगा। तो जुलाई के महीने से ये समझ जाइए कि बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि राहु और गुरु गज लक्ष्मी राजयोग बनाएंगे, इस कारण से राजयोग का फल आपको मिलने वाला है। वही यदि हम बात करें तो जुलाई के महीने से सूर्य भी आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। 17 जुलाई से पंचम भाव में गोचर करेंगे और 17 जुलाई तक ये गोचर करेंगे आपके चौथे भाव में और ये आपके छठे भाव के मालिक है। तो सूर्य भी जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। वही बुध जो है बुधादित्य राजयोग बनाएंगे जुलाई के महीने में, भद्र नामक राजयोग बनाएंगे, तो बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।
वही शुक्र लग्जरियस लाइफ देने का काम करेगा पंचम भाव में। तो यहां पर भी देखा जाए तो भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन के योग बनाने का काम करेंगे, यात्राओं में लाभ देंगे, शिक्षा संतान प्रेम विवाह में भी सफलता दिलाने का काम जो है शुक्र करने वाले हैं जुलाई के महीने से। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपको शुक्र भी अच्छे परिणाम देंगे। जुलाई के महीने में मंगल की स्थिति भी बहुत अच्छी है, मंगल जो है छठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, आपके कर्जों को दूर करेंगे। कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो आपके पक्ष में फैसला हो सकता है, कंपटीशन में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे। भाग्य भाव में दृष्टि होने से भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, विदेश की यात्राएं बनाने का काम करेंगे, लेकिन चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखने की जरूरत है और कॉन्फिडेंस भी ये मंगल आपको देने वाले हैं। तो मंगल समझ जाइए कि आपको जो है अगस्त तक बहुत अच्छे परिणाम देंगे, उसके बाद भी अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या पैदा करने का काम करेंगे, व्यापार बिजनेस और नौकरी के लिए बढ़िया रहेंगे। तो ये चीज देखा जाए तो मंगल भी आपको जो है जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर जो है दिसंबर के लिए मंगल अच्छे माने जाएंगे क्योंकि मंगल अपनी राशि में गोचर करेंगे। वही केतु जो है अष्टम भाव में मिले जुले फल देने का काम करते हैं, राहु जो है धन भाव में गोचर करते हैं, अचानक बड़ा धन भी देने का काम कर सकते हैं, गज लक्ष्मी राजयोग बनाएंगे, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, संभावनाएं हैं, लेकिन वाणी पर आपको कंट्रोल रखना है, अनगल वाणी का प्रयोग नहीं करना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना, नहीं तो शत्रु भी पैदा हो जाएंगे, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। शनि जो है 17 जून से वक्री हो जाएंगे। अब जब शनि 13 डिग्री में वक्री होंगे, मजबूत स्थिति में वक्री होंगे, फिर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे क्योंकि शनि आपके लाभ भाव के भी फल देने का काम करेंगे। तो 4 नवंबर तक शनि आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, बहुत सारी समस्याओं का समाधान शनि करने वाले हैं। तो अभी जो आपका बुरा समय चल रहा है ये समझ जाइए 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक का जो समय है वो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो भी आप काम करना चाहते इस समय करिए, उसमें आपको सफलताएं देखने को मिलेगी क्योंकि शनि लाभ भाव के भी मालिक है, लाभ के फल देने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं से लाभ बनाने का काम करेंगे और शनि जब भी वक्री होता है तो 3 गुना ज्यादा जो है फल देने का काम करता है। यदि शुभ है तो 3 गुना ज्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, अशुभ है तो 3 गुना ज्यादा अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। और शनि अपनी पिछली राशि के भी फल देने का काम करते हैं जब वक्री होते हैं, तो कहीं ना कहीं लाभ भी देने का काम शनि करने वाले हैं। मोटा मोटा यदि पकड़ा जाए तो जुलाई के महीने से मीन राशि वालों को जो है जो स्थितियां बन रही है लाभ होती हुई नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को जो है जरूर मिलने वाला है। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893।